मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस संभावना ने यूपी में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा तेज हो गई, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया। दरअसल सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। हालांकि पहले ये बातचीत परिवार तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ आ चुका है। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इस वजह से उनके कांग्रेस में लाने के प्रयास भी बहन प्रियंका गांधी द्वारा किया जा सकता है और उनके ऊपर ये जिम्मा भी छोड़ दिया गया है। हालांकि पूरी चर्चा राहुल गांधी के बयान से तेज हुई। जब उनसे वरुण गांधी के कांग्रेस में आने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी की पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी से करिए। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका या सबका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है उनको दिक्कत हो जाएगी। स्वागत तो सबका है, लेकिन वो बीजेपी में है तो प्रॉब्लम तो होगी ही उनको। इससे पहले बीते दिनों वरुण गांधी ने इसका एक संकेत देते हुए कहा था कि इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए और तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेरोजगारी पर बात नहीं होनी चाहिए। भुखमरी पर बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी पर होनी चाहिए और साथ ही साथ बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। तमाम बातें थी उस वक्त जो कही थी, और यही सारी बातें कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में दोहराते नजर आए थे। और यही सारी बातें मानी गई कि वरुण गांधी और राहुल गांधी एक ही विचारधारा साफ तौर पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। राहुल गांधी का समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वरुण गांधी उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी की यहाँ पर बुराइयां करे, ये रास नहीं आता। लेकिन कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि यशवंत सिन्हा हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं पार्टी की बुराई करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पार्टी के आलाकमान हो गए या फिर बड़े वरिष्ठ नेता हो गए, वो लगातार उन नेताओं को साइडलाइन करते हुए नजर आए, जिम्मेदारियों से हमेशा दूर करते नजर आए, और वही हालात कहीं ना कहीं वरुण गांधी के दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले वरुण गांधी खुद इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी यहाँ पर खुद ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी? अब इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।